इन्हें क्या खूब का है जो बाहर की सुनता है विकर जाता है, जो बाहर की सुनता है विकर जाता है, जो भीतर की सुनता है समर जाता है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 7 मई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे कुंभ राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन शुक्रवार है, सरस्वती माता का दिन है, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय सरस्वती माता लिखें, सरस्वती माता आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब इंसान साहस नहीं दिखाता तब तक वह जीवन की रेस हासिल नहीं कर पाता और उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं इंसान को राशि और भाग्य की बजाय अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। चाणक्य जी के आगे कहते हैं कि राम और रावण दोनों ही एक ही राशि के थे, लेकिन उन्हें परिणाम उनके कर्मों के हिसाब से मिला। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक किसी भी इंसान को खराब समय में उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। वो बताते हैं कि समय को कोयला भी धीरे हीरे में बदल जाता है। वहीं चाणक्य जी भी कहते हैं कि कामयाब जीवन व्यतीत करने वाली चाहत रखने की व्यक्ति को बहरा हो जाना चाहिए, उससे संसार की किसी भी बात को लेकर ध्यान नहीं देना चाहिए और जिससे उसका मनोबल नीचे हो जाए। कुछ न कुछ करने वाले व्यक्ति हमेशा मनोबल गिराने का काम करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कभी किसी को खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी का समय एक अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही सूर्य और चंद्रमा भी अपने अलग अलग समय पर चमकते हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज की पाचंग के बारे में। पाचंग 7 मई दिन चल रहा है, शुक्रवार, तिथि चल रही है एकादशी, नक्षत्र चल रहा है पूर्वा, वृद्धापद ऋतु चल रहा है वसंत ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:40 पर और सूर्यास्त होगा 4:58 पर। आज का शुभ समय 12:44 से 2:28 तक। आज का अशुभ समय 9:36 से 10:48 तक। आज कुंभ राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 2 है और भाग्यशाली दिशा पूर्व है और भाग्यशाली रंग हल्का पीला है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि उद्योग में बेहतर वातावरण रहेंगे, काम में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, अनावश्यक फिजूल खर्च कम करने में बचत बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और रिश्तेदारों के साथ अनावश्यक बहस करने से बचें। कुछ जीवन के बारे में आपके अतीत कोई संपर्क में आएगा जिससे आज का दिन यादगार दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आज का स्वास्थ्य सौभाग्य प्राप्त करेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन खबर प्राप्त हो सकती है। व्यापार में समझदारी लाभ आएगी और अचानक किसी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। पुरानी किसी मित्र से मुलाकात होगी, भविष्य की चिंता रहेगी लेकिन प्रियजन से सहयोग मिलने की काफी राह महसूस करेंगे और नए काम की तरफ झुकाव होगा। किसी भी तरफ की जल्दबाजी न करें, धन की स्थिति ठीक रहेगी और आज आप अच्छे स्वास्थ्य को सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। आज का दिन भावनात्मक ताजगी और नवीकरण लाएगा और दूसरों का एक साथ प्रभाव बनाने में सफल होंगे। आपकी यात्राएं फलीफूत होंगी और आप परिजनों की मित्रों की उम्मीदवार सपोर्ट योजना बनाएंगे। आज किसी खबर को आज का दिन बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों से प्रियजनों को सफलता प्राप्त होगी। छात्र शैक्षिक संबंधित यात्राएं करेंगे और संपत्ति के माध्यमिक लाभ और उतार-चढ़ाव बना रहेगा। आप अपने पसंदीदा सुखी स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे। यात्राएं सकारात्मक होंगी, इच्छा पूरी होगी और कलाकार को अपनी प्रतिमा दिखाने का अवसर मिलेगा। आपके अतीत से कोई रिश्ते में संपर्क में आएगा जिससे आज का दिन यादगार दिन बन जाएगा। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक ताजगी और नवीकरण लाएगा। आप मिजाज सकारात्मक होगा
और आप एक प्रभाव बनाने में महसूस करेंगे। आज किसी खबर को मिलने का दिन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। मैं विचार उठते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी। सहकर्मियों और वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कामों में विपरीत रहेगी और पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर रखें। शांति के प्रेम आपके आत्मबस पर बढ़ाने का होगा और कारोबार में व्यापार में लाभ महसूस करेंगे। दूर रह रहे मित्रों से संपर्क होगा। आज का दिन आपके लिए खर्च बढ़ेंगे और महिलाओं के शौक मनोरंजन धन व्यय होगा। शिक्षा के मामले में आज का दिन सुखद रहेगा और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। पारिवारिक छोटे स्वास्थ्य संबंध में दिल खुश होंगे और दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। कुछ पुरानी यादों को लेकर ताजा होंगी और सेहत बढ़िया रहेगी। शादीशुदा लोगों को गृहस्थ जीवन में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में जीविता रहे लोगों को घरवाले में परिवार भरा व्यवहार रहेंगे और काम के सिलसिले में दिन मान सामान रहेगा। आपके गुस्से पर काबू रखें और अपनी दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इससे मन हर्षित होगा। भाग्य प्रबल होने के कामों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे और अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने को आपको लाभ मिलेगा। गए विचार मन में आते रहेंगे और गायब हो जाएंगे। मनोरंजन गतिविधियां भागीदारी बढ़ेंगी। आप अपने भाई बहनों के साथ नए कार्य करेंगे और भागीदारियां बढ़ेंगी। सोचा हुआ कार्य मन में आएगा और सच में हो जाएगा। आपके साथी के साथ बहुमूल्य सद बिताने का दिन रहेगा। आज का दिन आनंद आपको दोस्तों के साथ लें और स्वास्थ्य प्रियजनों की यात्राएं संभावना रहेंगी। प्राकृतिक स्थलों पर आपकी शरीर को मन में फिर से जीवित कर देगा और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार की जरूरतों का ध्यान भी देंगे और संतान के बारे में भी कुछ सोचेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज ज्ञान वरा धार्मिक कार्यों में प्यार करेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दूर के रिश्तेदारों से शुभ सूचना मिलेगी और कार्य क्षेत्रों में सहारा मिलेगा। छवि का सहयोग रहेगा। घर परिवार का माहौल सकारात्मक होगा। शादीशुदा लोग गृहस्थ जीवन में आज का दिन तनाव बड़ा महसूस करेंगे। काम के सिलसिले में आज का दिन बढ़िया रहेगा और दूसरी नौकरी की भी तलाश करेंगे। मां के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नए काम से जुड़ी जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। संपत्ति की समस्या का समाधान होगा। अनावश्यक तनाव से बचें और बच्चों से विनम्रता से बात करें। ध्यान देने की आवश्यकता है कि नई जिम्मेदारियां उपलब्ध होंगी और दोस्तों के संपर्क में आएंगे। प्रेमों में और युगलों में अपने पारिवारिक सम्मति मिलेगी और आज का दिन स्वास्थ्य महसूस करेंगे। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।